हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का अच्छे एवं संपूर्ण शिक्षा देने के एकमात्र स्थान अभिप्सा एजुकेशन फॉर एक्सीलेंस के इस ऑनलाइन क्लासेस पर। तो बच्चों, जैसे कि आप सभी लोगों को मालूम है, लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे अपने एग्जाम सीरीज मिशन 2023 के बारे में, और लास्ट क्लास में हम अपने अध्याय 9 के बारे में चर्चा कर रहे थे। अध्याय 9 के हम सेकेंड पार्ट के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, जहां पर मैं आपको एक नंबर वाले जितने भी क्वेश्चन बनते थे, जितने भी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बनते थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को मैंने अच्छे से कवर करा दिए हैं। आज किस क्लास में हम यानी कि थर्ड नंबर के पार्ट में दो नंबर वाले प्रश्नों पर बात करने वाले हैं, और दो नंबर वाला जो प्रश्न है ना, वो हर साल अलग-अलग पूछे जा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इसके मैं आपको 7 से लेकर 8 प्रश्न कराने वाला हूं, डिफरेंट टाइप के हम 8 टाइप के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो इसको आपके दो पार्ट के वीडियो मिलने वाले हैं। तो पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4 में दो नंबर वाले प्रश्नों पर बात करेंगे। फिर आएगा इसका पार्ट नंबर 5, जहां पर हम बड़े प्रश्नों के बारे में बात करेंगे, 6 नंबर वाले प्रश्नों के बारे में बात करने वाले हैं। तो बिल्कुल आ जाइए मेरे साथ, जुड़ जाइए और आज की इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो जो हमारा मिशन चल रहा था, उस मिशन का नाम क्या है, छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा मिशन 2023, जहां पर मैं आप सभी लोगों को कक्षा 10वीं विषय गणित को पढ़ाता हूं। और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो क्या है, अध्याय 9 त्रिकोणमिति समीकरण एवं सर्वसमीकरण, ये होने वाला है भाग 3 और भाग 4, दोनों में हम दो दो नंबर वाले क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। चलिए, तो देखिए बच्चों, अगर कोई बच्चा यहां पर सीधा सीधा पार्ट 3 को देख रहा है, तो उन बच्चों से मैं कहना चाहूंगा, तो पहले आप पार्ट 1 को देख कर आएंगे, क्योंकि पार्ट 1 में अध्याय 9 और अध्याय 10 में जितने भी हम फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, उसको मैंने पार्ट 1 में कवर करा दिया। जितना भी हम सूत्र देखने वाले हैं, सबको हमने पार्ट 1 में देख लिया है। अगर आपका सूत्र याद नहीं है, तो बिल्कुल आपका त्रिकोणमिति का एक भी प्रश्न आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले आप पार्ट 1 में जाइए, पार्ट 1 को देखिए, पढ़े समझिए, और जितने भी फॉर्मूला मैंने लिखवाए हुए हैं सबको याद करके पार्ट नंबर 3 पर आइए, तब ये आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए, अब डायरेक्टली हम जाना चाहेंगे अपने क्वेश्चन की ओर, और ये रहा हमारा पहला नंबर का क्वेश्चन। बोला क्या गया है, सिद्ध कीजिए कि 1 upon sec theta minus 1 upon sec theta minus 1 minus 1 upon sec theta plus 1 is equal to 2 cos square theta। ये हमें प्रूफ करके दिखाना। देखो बच्चों, तो अब इस प्रकार के प्रश्नों को हम सॉल्व कैसे करेंगे, देखो मुद्दा यह है सर, इसको सॉल्व कैसे करेंगे कि पूरा में पूरा नंबर मिले। बिल्कुल, तो यहां पर आप क्या करो, पहले तो मैं अपने बोर्डों को दो भागों में बांट देता हूं। बिल्कुल सर, मैं अपने बोर्डों को क्या करूंगा, दो भागों में बांट देता हूं। देखो चलो, अब इस क्वेश्चन का हम आंसर कैसे लिखेंगे कि हमें पूरा दो में दो नंबर मिले। देखो, सबसे पहले मैंने यहां पर डाला हाल, देखो हमें बोला गया था कि सिद्ध करना। बिल्कुल, तो सिद्ध करना है, इसी जगह मैं यहां पर इसको पहली लाइन में लिखना चाहूंगा कि सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। चलिए बोलिए, हमें क्या सिद्ध करना है, तो इस बात को मैं एक बार उतारना चाहूंगा। ये हमें सिद्ध करना है 1 upon sec theta minus 1 upon sec theta plus 1। बिल्कुल सर, यहां तक की कहानी अच्छे से क्लियर है। बिल्कुल ठीक है। अब देखो यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर हमें बराबर की बात क्या दिया हुआ है, 2 cot square theta दिया गया। अब देखो इस केस में हम करेंगे क्या, इस केस में हम करेंगे क्या, हम लेफ्ट हैंड साइड को लेकर हल करेंगे और राइट हैंड साइड ला देंगे। बिल्कुल देखो, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, लेफ्ट हैंड साइड को मैं एक बार और उतारना चाहूंगा, ये हमें दिया 1 upon 1 upon दिया गया है sec थीटा, फिर माइनस का 1 है, 1 upon sec theta minus 1 है, फिर माइनस का 1 यहां पर चिन्ह लगाया। देखो फिर यहां पर क्या दिया, 1 upon ये हो जाएगा sec थीटा प्लस 1 हो जाएगा, ये हमारा हो चुका सर LHS। अब देखो यहां पर दोनों में, देखो यहां पर sec थीटा माइनस 1 और यहां पर sec थीटा प्लस का 1 है, तो हमें यहां पर ये मालूम चल गया कि नीचे में लघुत्तम क्या आएगा। तो सर नीचे में जो लघुत्तम आएगा वो sec थीटा माइनस 1 है, फिर इंटू, फिर ये हो जाएगा sec थीटा प्लस का 1 है, ये हमारा आ चुका सर लघुत्तम। क्या आ चुका सर, बिल्कुल ये हमारा आ चुका लघुत्तम। देखो अब हम क्या करते हैं, देखो जब भी हम ऐसे केस में आते हैं तब क्या करते हैं, इस बात को अच्छे से नोटिस करना, क्या करते हैं, देखो यहां पर लघुत्तम का जो भी लघुत्तम आता है ना, उस लघुत्तम का गुणा पहले वाले भिन्न के साथ करते हैं और दूसरे वाले भिन्न के साथ भी करते हैं। तो पहले मैं लघुत्तम को यहां पर लिखना चाहूंगा, हमारा लघुत्तम क्या है, sec थीटा माइनस 1 है, फिर इंटू है, फिर क्या है, sec थीटा प्लस 1 है। मैं इसको रफ में आपको हल करके बताता हूं। देखो लघुत्तम का गुणा हम पहले वाले भिन्न के साथ करने जा रहे हैं, जो कि क्या है, 1 upon sec theta, फिर का 1 है। तो देखो यहां पर sec थीटा माइनस 1 है, यहां पर भी sec थीटा माइनस 1 है, दोनों निपट गया, तो यहां पर क्या बचा, sec थीटा प्लस का 1। तो डायरेक्टली मैं यहां पर लिखना पसंद करूंगा, sec थीटा प्लस का 1 बच गया। ठीक है सर, माइनस है तो माइनस का मैंने चिन्ह लगा दिया। देखो
अब चलो हम ब्रैकेट लगा देते हैं। देखो फिर क्या करेंगे, इसी जो लघुत्तम का गुणा करेंगे दूसरे वाले भिन्नक के साथ। तो लघुत्तम हमारा क्या था, ये था sec थीटा माइनस वन। मैं एक बार बताऊंगा, बाकी आने वाले क्वेश्चन में इसको हल करके बिल्कुल नहीं बताने वाला, अच्छे से बताना इसको। तो हमारा जो लघुत्तम था वो क्या है, sec थीटा माइनस वन, फिर इंटू ये है sec थीटा प्लस का वन है। चलो अब लघुत्तम का गुणा हम दूसरे वाले भिन्न के साथ करेंगे, और दूसरा वाला भिन्न हमारा क्या, वन अपॉन ये है sec थीटा प्लस का वन है। सर बिल्कुल यहां तक की कहानी भी अच्छे से क्लियर है। ये sec थीटा प्लस वन और ये sec थीटा प्लस वन दोनों निपट गया, तो हमें यहां पर क्या मिला, sec थीटा माइनस वन का गुणा एक से करेंगे तो हमें यही मिल जाएगा, ये हो जाएगा sec थीटा सर माइनस का वन मिल चुका। इसको यहां से मिटाओ, ये बस रफ में समझने के लिए समझा था मैंने, यहां पर इसको लिखने की जरूरत नहीं थी। चलो आ जाओ देखो अब आगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे सर, बिल्कुल देख लो। देखो अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, माइनस चिन्ह का इन दोनों पदों के साथ करेंगे गुणा। तो पहला वाला जो पद है वो तो एज इट इज लिखाएगा sec थीटा प्लस वन, अब इन दोनों का चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का sec थीटा, क्योंकि हम माइनस का चिन्ह का गुणा कर रहे हैं। अब ये माइनस का गुणा करेंगे माइनस के साथ, तो ये हो जाएगा प्लस का एक। सर बिल्कुल यहां तक की कहानी क्लियर है। बटे में जो दिया उसको चिपका दो, क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ था sec थीटा माइनस का वन, फिर इनटू में क्या है sec थीटा प्लस का वन है। सर बिल्कुल यहां तक की कहानी क्लियर है। अब देखो यहां से प्लस का sec थीटा और यहां से माइनस का sec थीटा दोनों को कैंसिल कर देंगे, तो एक और एक ये हो जाएगा दो, और नीचे में क्या बचेगा, नीचे में बच्चों यहां पर देखो यहां पर क्या बचेगा, यहां पर मैं अगर बात करूं तो एक फॉर्मूला, एक मुझे यहां पर सूत्र दिखने वाला है। क्या सूत्र, देखो मैं यहां पर लिखने जा रहा हूं, ये होता a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है हमारा फॉर्मूला। अब इसका क्या यूज करने वाला, देखो यहां पर देखो a माइनस बी है, यहां पर sec थीटा माइनस वन है, यानी कि a की जगह यहां पर क्या है sec थीटा, बिल्कुल सर यहां तक की कहानी क्लियर है। फिर a प्लस बी है, फिर यहां पर sec थीटा प्लस वन है, यानी कि हम इसको इस रूप में लिखते हैं तो इसको भी इसी फॉर्म में लिखना चाहेंगे, a की जगह sec थीटा लिखा जाएगा और b की जगह क्या लिखा जाएगा, यहां पर एक बैठा हुआ है, तो इसी फॉर्म में इसको अरेंज करके कैसे लिखोगे, देखो ए स्क्वायर है तो ए की जगह मैं बोल रहा हूं कि sec थीटा को चिपकाओ, यहां पर स्क्वायर है तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा, फिर माइनस है तो माइनस, फिर b का वर्ग है तो b की जगह हम लेंगे एक को, तो एक का वर्ग करेंगे तो सर ये एक ही मिलेगा। क्या मिलेगा सर, ये एक ही मिलेगा। बिल्कुल यहां तक की भी कहानी अच्छे से क्लियर। अब यहां पर क्या है sec स्क्वायर थीटा माइनस वन है, क्या बच्चों sec स्क्वायर थीटा माइनस वन है। अब देखो यहां पर क्या करेंगे, टू अपॉन यहां पर आपका एक फॉर्मूला लगने वाला है, सर्व समीका लगने वाला है, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है sec स्क्वायर थीटा। इस फॉर्मूले के बारे में मैंने बताया हुआ था, याद कीजिए क्या होता है, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, ये होता है sec स्क्वायर थीटा। बिल्कुल सर हमें यहां पर sec स्क्वायर थीटा माइनस वन का निकालना है, तो माइनस वन को मैं इस साइड पक्षांतर कर दूंगा तो टेन स्क्वायर थीटा यहीं पर रह जाएगा, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस वन, यानी कि इस sec स्क्वायर थीटा माइनस वन की जगह मैं ये tan स्क्वायर थीटा लिखने वाला। बिल्कुल सर लिख दो, ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। चलो देखो तो ये हो जाएगा दो, दो को पहले मैंने लिखा तो वन अपॉन टेन थीटा, वन अपॉन टेन थीटा के बारे में भी मैंने बताया हुआ है कि ये कॉट का उल्टा होता है, यहां पर स्क्वायर है तो स्क्वायर चिपका देना है, ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। मैंने कौन सा फॉर्मूला यूज किया हुआ है, तो यहां पर मैंने यूज किया हुआ है वन अपॉन tan थीटा इज इक्वल टू ये होता है cot थीटा, यहां पर स्क्वायर में था तो स्क्वायर में आ गया। देखो यहां तक मैंने तीन फॉर्मूला यूज कर दिया, बिल्कुल मैंने तीनों को लिख भी दिया, ये लिखना इंपॉर्टेंट होता है। अब जो हमें प्रूफ करना था वो आ चुका है, देखो यहां पर क्या प्रूफ करना था, टू cot स्क्वायर थीटा, आ क्या गया टू cot स्क्वायर थीटा हमारा आ चुका है। देखो तो यहां से ये पता चल चुका कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर है, यही सिद्ध करना था, ये लास्ट लाइन में आपका आंसर होना चाहिए, यही सिद्ध करना था। बिल्कुल सर ये हमारा फाइनल आंसर होने वाला है। इस तरह से आप रिप्रेजेंट करोगे ना तो आपको पूरा में पूरा अंक मिलने वाला, एक नंबर भी नहीं कटने वाला, दो नंबर के लिए पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। बिल्कुल चलो हाँ अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन प्रश्न क्रमांक दो जो कि बहुत ज्यादा इजी होने वाला। चलिए आ जाइए, यहां पर फिर से हमें प्रूफ करना है कि अंडर रूट वन प्लस साइन थीटा अपॉन वन माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू वन प्लस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। बिल्कुल कर देंगे, आ जाओ देख लो, देखो कुछ नहीं करना इसमें भी, पहले अपने बोर्डों को मैं दो भागों में बांट लेता हूं, देखो ये बांट दिया मैंने। चलो आ जाओ देखो, तो पहली लाइन में हम क्या करेंगे, तो पहली लाइन में हमें जो सिद्ध करना है उसी बात को हम यहां पर लिखेंगे। देखो कैसे लिखेंगे, तो सिद्ध करना है,
सिद्ध करना है। चलिए बताइए हमें क्या सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, तो हमें जो सिद्ध करना है वो है बड़ा सा हमने लगाया वर्गमूल, फिर ये है वन प्लस साइन थीटा और डिवाइड में क्या है वन माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है वन प्लस साइन थीटा और डिवाइड में क्या है सर, ये है कॉस थीटा। ये हमें प्रूफ करके दिखाना। देखो तो इस केस में हम फिर से क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को लेकर हल करेंगे और राइट हैंड साइड हम बिल्कुल ला देंगे। देखो कैसे, तो मैं एक बार लेफ्ट हैंड साइड को और उतारना चाहूंगा, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, देखो लेफ्ट हैंड साइड ये है हमारा, तो बड़ा सा लगा यहां पर वर्गमूल, क्या लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा वन प्लस साइन थीटा, फिर डिवाइड में लिखा जाएगा वन माइनस का साइन थीटा हो चुका। जब भी आपको ये वर्गमूल दिख गया, आप क्या करो, हर का परिमेयीकरण, हर का क्या कर दो, परिमेयीकरण कर दो। देखो सर मैं यहां पर हर का परिमेयीकरण करने जा रहा हूं। देखो हर का परिमेयीकरण कैसे करते हैं, देखो जो यहां पर दिख रहा है पहली बात तो उसको एज इट इज लिख दो उतार दो, पर छाप दो, ये हो जाएगा वन प्लस साइन थीटा, वन माइनस ये हो जाएगा साइन थीटा। हर का परिमेयीकरण करने जाना। देखो यहां पर मैंने लगाया गुणा का चिन्ह। देखो हर का परिमेयीकरण कैसे करते हैं, तो पूरा जो फोकस है वो आपका होना चाहिए हर पर, हर का परिमेयीकरण करना है। तो यहां पर जो आपको माइनस का चिन्ह दिख रहा है ना, उसको कर देना है प्लस, तो ये हो जाएगा वन प्लस साइन थीटा, और इसी को एक बार और लिख लेना इसी के नीचे में, ये हो जाएगा वन प्लस साइन थीटा, वन प्लस ये हो चुका साइन थीटा। अगर यहां पर प्लस रहता तो यहां पर हम माइनस लगा देते, तो हम हर का परिमेयीकरण करते तो हर को देखते हैं, यहां पर ऋण तो धन और धन रहता तो हम यहां पर माइनस का सर चिन्ह लगा देते। बिल्कुल यहां तक की कहानी अच्छे से क्लियर। अब देखो आगे क्या करेंगे। देखो चलो, तो देखो दोनों जो भिन्न है वो अब देखो गुणा में है, और गुणा वाले में क्या करते हैं, ऊपर के साथ गुणा और नीचे का नीचे के साथ गुणा। तो इसका जो गुणा करूंगा मैं इसके साथ करने वाला हूं। देखो तो ये क्या लिखा जाएगा, ये हो जाएगा वन प्लस साइन थीटा, इसका जो गुणा करेंगे वो किसके साथ होगा, वन प्लस साइन थीटा के साथ होने वाला। सर बिल्कुल यहां तक क्लियर है। अब देखो नीचे का नीचे के साथ हम करते हैं गुणा, तो वन माइनस साइन थीटा ये हो जाएगा वन माइनस साइन थीटा, फिर क्या है इंटू में, ये हो जाएगा सर वन का वन प्लस साइन थीटा हो जाएगा। बिल्कुल यहां तक क्लियर है। अब बड़ा सा वहां पर वर्गमूल लगा था, तो ये वर्गमूल को तो भूलना बिल्कुल नहीं है, यहां पर मैंने बड़ा सा लगा दिया वर्गमूल। बिल्कुल सर ये भी कहानी अच्छे से क्लियर है। अब क्या हो जाएगा, देखो यहां पर 1 प्लस साइन थीटा लिखा, यहां पर भी 1 प्लस साइन थीटा लिखा हुआ है, तो यहां पर घातांक का एक नियम लिखता है, आधार समान है, दोनों की घात एक एक है, घात नहीं दिख रहा मतलब कि घात एक एक है, तो इसको मैं लिख सकता हूं 1 प्लस साइन थीटा, पूरे की घात में लगाया दो, और नीचे में क्या आ जाएगा, अब इस बात को समझना। देखो इस बात को समझना, यहां पर फॉर्मूला जो अभी मैंने बताया हुआ था, चूंकि ये होता a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता, चलो बोलो, ये होता ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बोलो यहां तक की कहानी क्लियर। क्या a की जगह यहां पर आपको दिख रहा है एक, और b की जगह यहां पर दिख रहा है साइन थीटा, यानी कि इसका रूप ये होता है, तो इसी को भी हम इस रूप में लिखना चाहेंगे, तो ए की जगह मैं बोलूंगा कि चिपकाओ एक को, तो एक का वर्ग है, तो एक का वर्ग करेंगे तो एक ही आएगा, एक का वर्ग करेंगे तो एक ही आएगा। सर बिल्कुल यहां तक की कहानी क्लियर है। माइनस है तो यहां पर मैंने माइनस का चिन्ह लगा दिया। अब देखो फिर b स्क्वायर है, तो b का मान हमें रखना ये साइन थीटा, तो ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्या हो चुका, ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये बड़ा वाला वर्गमूल को तो भूलना बिल्कुल नहीं। देखो मैंने लगा दिया बड़ा वाला वर्गमूल, ठीक है। देखो चलो अब आगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो यहां पर ये देखते मुझे एक फॉर्मूला याद आ चुका सर, कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, हम इसको लिख सकते हैं सर ये कॉस स्क्वायर थीटा, बिल्कुल चिपका दो, ये हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, पूरे का वर्ग मैंने लगाया, फिर बटे में क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। बिल्कुल सर यहां पर ये बड़ा वाला वर्गमूल भी था, इसको भी मैंने चिपका दिया। देखो अब देखो ये जो बड़ा वाला वर्गमूल देखो ना, सॉरी ये जो बड़ा वाला वर्गमूल दिख रहा है वो ऊपर वाले का भी और नीचे वाला का भी। अब यहां पर कैसे होगा, देखो जब हम दोनों को अलग अलग करेंगे, इसके साथ भी मैं लगाऊंगा वर्गमूल और इसके साथ भी मैं वर्गमूल लगाऊंगा, तो ये वर्गमूल और ये वर्ग दोनों आपस में कैंसिल होते हैं, तो ऊपर में हमें मिल जाएगा वन प्लस साइन थीटा, वन प्लस साइन थीटा मिल चुका। अब यहां पर नीचे में भी मैं वर्गमूल लगाऊंगा, तो यहां पर वर्गमूल आएगा और ये वर्ग दोनों आपस में कैंसिल होते हैं, तो हमें नीचे में क्या मिल चुका, कॉस थीटा मिल चुका। बिल्कुल सर जो हमें प्रूफ करना था वो आ चुका, देख लो वन प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा आना चाहिए था और आ भी चुका है। ये है हमारा आरएचएस। तो हम यहां पर लिखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है किसके, राइट हैंड साइड के बराबर है, और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। बिल्कुल लास्ट लाइन में अपने आंसर को लिखना है,
थोड़ा सा टाइम भले ही लगा हुआ है 5 मिनट समझाने में, लेकिन आप इतना प्रैक्टिस कर लोगे कि 2 मिनट में इस प्रकार के क्वेश्चन को इजिली सॉल्व कर सकते हो। कुछ भी दम नहीं है, ये आपके लेवल का ही नहीं है क्वेश्चन, इतना इजी क्वेश्चन करते आपसे। चलो आ जाओ, चलो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, प्रश्न क्रमांक 3, जो कि बहुत ज्यादा इजी होने वाला है। सिद्ध करना है कि साइन की घात में 4 थीटा माइनस कॉस की घात में 4 थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, हमें प्रूफ कर दिखाना। बिल्कुल कर देंगे, आ जाओ देख लो, आ जाओ आ जाओ। चलो देखो, हाँ तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहां पर लिखेंगे हल। हमें यहां पर क्या करना है, सिद्ध करना है, तो इसी बात को हम पहले लिखते हैं। देखो सिद्ध करना है, ये लिखने का फॉर्मेट होता है जो आपको पूरा में पूरा अंक दिलाता है। देखो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, चलिए बताइए क्या सिद्ध करना है। तो हमें सिद्ध करना है कि साइन की घात में 4 थीटा फिर माइनस कॉस टू द पावर 4 थीटा फिर इज इक्वल टू क्या है, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये हमें प्रूफ करके दिखाना, बिल्कुल सर कर देंगे, देखो कुछ भी दम नहीं इसमें। तो फिर से हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे और RHS ला देंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या होता है, ये होता है साइन की घात में 4 थीटा माइनस कॉस टू दी पावर 4 थीटा, ये है हमारा LHS है। चलो सर देखो अब इसको मैं कैसे हल करूंगा, देखो यहां पर मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या, साइन स्क्वायर थीटा पूरे की घात में मैं लगा देता हूं, ये स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा पूरे की घात में हमने यहां पर लगा दिया सर, 2 लगा दिया। ऐसा कर सकते हैं, यहां पर वापस इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 2 और 2 का गुणा करेगा तो वापस से हमें यहां पर साइन की घात में 4 थीटा मिल जाएगा। बिल्कुल यहां तक की कहानी क्लियर है, हमने इसको ऐसा लिख दिया। ऐसा करने से हमें फायदा क्या हुआ, तो ऐसा करने से हमें एक ही चीज का फायदा होता, क्या देखो फॉर्मूला, हमारा फॉर्मूला क्या होता है, यहां पर देखो ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस का बी फिर ए माइनस का बी, ये होता है हमारा फॉर्मूला। इसी फॉर्मूले में ये बैठने वाला, कैसे बैठेगा देखो, यहां पर ए स्क्वायर है और यहां पर ए की जगह ये पूरा ब्रेकेट आएगा साइन स्क्वायर थीटा आएगा, ए की जगह ये पूरा ब्रेकेट साइन स्क्वायर थीटा हो गया, माइनस है तो यहां पर भी माइनस है, बी स्क्वायर है और बी की जगह ये पूरा ब्रेकेट है कॉस स्क्वायर थीटा है, तो इसका विस्तारित रूप ये होता है, तो इसको भी हम इसी रूप में लिखेंगे, ए की जगह चिपकाएंगे साइन स्क्वायर थीटा को और बी की जगह चिपकाएंगे कॉस स्क्वायर थीटा को, हमारा काम हो जाएगा। जाओ तो a प्लस बी है, तो a प्लस बी यानी कि a का मान हम रखेंगे साइन स्क्वायर थीटा पूरा ब्रेकेट रखेंगे ना, पूरा ब्रेकेट को रखेंगे, बस साइन थीटा नहीं साइन स्क्वायर थीटा, पूरा ब्रेकेट का मान आएगा a की जगह, फिर प्लस है तो प्लस, फिर क्या है b का मान रखना आपको कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा सर, बिल्कुल कहानी यहां तक क्लियर है। फिर यहां पर इंटू रहता तो इंटू का चिन्ह लगाया, उसके बाद a माइनस बी, a की जगह ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस है तो माइनस, बी की जगह ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा सर, बिल्कुल यहां तक की कहानी क्लियर है। अब देखो आ जाओ इधर आ जाओ, देखो तो ये हो जाएगा, देखो यहां पर मुझे ये देखते ही फॉर्मूला याद आ चुका, क्या फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये होता है सर 1, क्या होता है 1 होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, ये होता है 1, मैंने पहले से इस फॉर्मूले को लिख दिया। तो इस पूरे ब्रैकेट की जगह हम लिखेंगे 1 को, यहां पर चिपकाया मैंने 1 इंटू, फिर ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा है ना, ठीक है साइन स्क्वायर थीटा माइनस, फिर क्या दिया हुआ हमें कॉस स्क्वायर थीटा, ये दिया हुआ सर, बिल्कुल यहां तक की भी अच्छे से कहानी क्लियर है। अब देखो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, तो यहां पर क्या कर सकते हैं, देखो यहां पर ये हो जाएगा 1 का गुणा इसके साथ करेंगे तो हमें मिल जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमें प्रूफ करना था। यहां पर थोड़ा सा सुधार लेना बच्चों, यहां पर थोड़ा सा सुधार लेना, ये माइनस होगा, क्या होगा, ये माइनस होगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा, ये हमें प्रूफ करके दिखाना था और ये पूछा गया था छत्तीसगढ़ 2017 सेट सी में पूछा गया था। देख लीजिए जो हमें प्रूफ करना था साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यहां पर आ चुका है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ चुका है, ये है हमारा फाइनल आंसर। यानी कि सर मैं यहां पर ये बोल सकता हूं कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के क्या है, बराबर है सर, बिल्कुल बराबर है, यही सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था, ये है हमारा फाइनल आंसर जो आपको 2 में से 2 अंक दिलाने वाली है। बस 3 से 4 मिनट लगता है इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, वो तो मैं आपको बता रहा हूं इसलिए, लेकिन आप लोग जब इसको सॉल्व करोगे ना एग्जाम हॉल में तो 2 से 3 मिनट में इसको उड़ा दोगे, बिल्कुल। चलो आ जाओ अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये रहा हमारा प्रश्न क्रमांक 4 जो कि आज का ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला, बहुत ही ईजी है देखो,
और ये पूछा कब गया है 2017 सेट सी, इसी प्रकार का क्वेश्चन सेट बी और सेट ए में भी पूछा गया था। बिल्कुल देखो, सबसे पहले हमने अपने बोर्डों को दो भागों में बांटा। हमारा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड क्या होता है, सबसे पहले हम यहां पर लिखते हैं हल और जो हमें प्रूफ करना है उसी बात को हम यहां पर एक बार उतार देते हैं। तो सिद्ध करना है, चलिए सिद्ध करना है, बताइए क्या सिद्ध करना है। देखो सिद्ध करना है, हमें यह सिद्ध करना है कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस का कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये होता है सर, ये होता है सेक स्क्वायर थीटा इंटू ये होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। ये हमें प्रूफ कर दिखाना। बिल्कुल सर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ। देखो हाँ, तो अब क्या करेंगे, अब हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड को और राइट हैंड साइड हम ला देंगे। जरूरी नहीं है कि आप लेफ्ट हैंड साइड को लेकर ही राइट हैंड साइड लाओ, आप राइट हैंड साइड को सॉल्व करके आप लेफ्ट हैंड साइड भी ला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हम यहां पर लेफ्ट हैंड साइड को लेकर हल करेंगे। ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस का कोसेक स्क्वायर थीटा। त्रिकोणमिति के जितने भी प्रश्न होते हैं वो एक ही तरह से बने, ये जरूरी नहीं है, कई तरीके से बना सकते हैं। आपके पास बहुत सारे फॉर्मूले हैं, आपके पास बहुत सारे फॉर्मूले, उन फॉर्मूले का यूज करके आप कई तरीके से एक क्वेश्चन को बना सकते हो। चलो अब देखो यहां पर, अब यहां पर हम क्या कर सकते हैं, देखो यहां पर मैं ऐसा कर सकता हूं क्या, सेक थीटा, सेक स्क्वायर थीटा को मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, ये हो जाएगा वन अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। कहां से भैया, तो यहां से मैं फॉर्मूला लिख देता हूं। देखो हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा हुआ है, हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ था कि कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, वन अपॉन सेक थीटा होता है। सेक थीटा और कॉस थीटा दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। मैंने यहां पर फॉर्मूला को चिपका दिया कि वन अपॉन सेक थीटा, वन अपॉन सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, ये होता है, यहां पर गलत लगा दिया क्या, हाँ ठीक लगाया, नहीं हम थोड़ा सा यहां पर चेंज करते फॉर्मूले को। देखो कैसे, यहां पर देखो हमने क्या फॉर्मूला यूज किया हुआ है, हमने यहां पर यूज किया हुआ है कि sec थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन cos थीटा, sec थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन मैं cos थीटा का यूज किया हुआ, तो वन अपॉन cos थीटा की जगह वापस क्या हो जाएगा, sec थीटा हो जाएगा, स्क्वायर है तो यहां पर स्क्वायर लग जाएगा। बिल्कुल सर यहां तक की कहानी क्लियर। अब देखो प्लस है तो प्लस लगाओ, यहां पर प्लस है तो प्लस लगाओ। देखो यहां पर भी देखो, यहां पर हमें पता है कि cosec थीटा और sin थीटा दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, उल्टा होते हैं, तो मैं इसको लिख सकता हूं वन अपॉन, ये हो जाएगा सर sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। हमने कौन सा फॉर्मूला यहां पर यूज किया, चलो इस बात को हम लिख देते हैं। तो ये होता है cosec थीटा इज इक्वल टू सर वन अपॉन sin थीटा होता है, क्या होता है, वन अपॉन sin थीटा होता है। तो cosec स्क्वायर थीटा की जगह मैंने चिपका दिया वन अपॉन sin स्क्वायर थीटा चिपका दिया। सर बिल्कुल यहां तक की कहानी अच्छे से क्लियर। अब देखो आ जाओ आगे इस साइड, तो देखो दोनों में लघुत्तम sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा आने वाला है, तो मैं इसको लिखूंगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू ये आ चुका साइन स्क्वायर थीटा। ये हमारा क्या हो गया सर, लघुत्तम हो चुका, क्या हो चुका, लघुत्तम हो चुका, दोनों को हमने गुणा करके लिख दिया। फिर क्या करेंगे, देखो फिर क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा का गुणा करेंगे एक से, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस का वन, सॉरी प्लस है तो प्लस, कॉस स्क्वायर थीटा का लिखेंगे गुणा करेंगे एक से, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, क्या हो चुका सर, कॉस स्क्वायर थीटा हो चुका। अब हमें मालूम है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, वन होता है, वन, तो यहां पर ये लिखा जाएगा वन अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इंटू ये हो जाएगा सर साइन स्क्वायर थीटा। हमने कौन सा फॉर्मूला यहां पर यूज किया हुआ है, इस बात को लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमने यूज किया हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सर ये होता है वन। बिल्कुल ये फॉर्मूला हमारा होता है सर, बिल्कुल। देखो तो देखो अब दोनों को अलग अलग करेंगे, ये हो जाएगा वन अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इंटू ये हो जाएगा सर ये वन अपॉन साइन स्क्वायर थीटा हो चुका। अब इसका फॉर्मूला हमें पता है कि कॉस जो है वो सेक का अपोजिट होता है, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। अब यहां पर साइन देखो, साइन जो होता है वो कॉसेक का अपोजिट होता है, यहां पर ये लिखा जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। कौन सा फॉर्मूला यूज किया हुआ है, तो वन अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सेक थीटा होता है। सेकंड नंबर में वन अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू, वन अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है सर, ये होता है कॉसेक थीटा। बिल्कुल ये फॉर्मूला हमने यहां पर चिपका दिया। देखो जो हमें प्रूफ करना था वो आ चुका है कि नहीं, बिल्कुल सर आ चुका है, सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा मिलाना था और आ भी चुका है। यानी कि मैं यहां पर कह सकता हूं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू किसके बराबर है, ये है राइट हैंड साइड के बराबर। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। देखो तो लास्ट टर्म में इस बात को लिखेंगे, यही सिद्ध करना था,
यही सिद्ध करना था। पूरा फॉर्मेट आपको लिखना पड़ेगा, पूरा स्टेप आपको फॉलो करना पड़ेगा दो नंबर के लिए। ये इतना बेहतरीन सा दिख रहा है। देखो सर, तो आज के इस क्लास में मैंने आपको दो नंबर वाले चार क्वेश्चन बता दिए, चारों अलग अलग तरीके से बने हुए हैं, ठीक है। आगे के क्लास में हम इसके पार्ट नंबर 4 में हम चार क्वेश्चन वापस से सॉल्व करने वाले हैं। तो इसके आपको दो पार्ट मिलने वाले हैं बच्चों। देखो, ये हमारा चार क्वेश्चन आ चुका है। आज की इस क्लास को यहीं पर खत्म करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो बिल्कुल लाइक करना, कमेंट करना और दोस्तों तक शेयर करना है। हम मिलेंगे इसके पार्ट नंबर 4 पर। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।